हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर 2 स्टैट्स में, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे डाटा को कलेक्ट करें, वो कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आपको डाटा मिल सकता है, जहाँ से आप डाटा को इकट्ठा कर सकते हो। तो मैं अगर आपको थोड़ी सी शॉर्ट समरी देना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं अगर हम कलेक्शन की बात करें, भाई मैंने आपसे पूछा, सपोज करो कि भाई मेरी गली में लोगों की इनकम कितनी है, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ, उस स्ट्रीट, उस जगह, उस एरिया, उस लोकेलिटी के अंदर लोगों की इनकम कितनी है, पता करके आओ। से वहाँ पर जो है 50 फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पर 50 फैमिलीज रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप उस 50 फैमिली के पास खुद जाओगे, या तो आप उस 50 फैमिली के पास वन बाय वन जाओगे और वो जो डाटा बताएंगे उसे आप नोट कर लाओगे। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा जहाँ पर मैं सोर्स के पास, जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पर चलकर खुद जाता हूँ, वहाँ पर खुद जाकर डाटा को इकट्ठा करता हूँ, उसे नोट डाउन करता हूँ, उसे लिखता हूँ, ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो समझो। दूसरा तरीका, मैं खुद सबके पास नहीं जाऊंगा, मैं सपोज करो अपने एरिया के एमसी के पास जाऊंगा, मैं सपोज करो सोसाइटी के प्रधान के पास जाऊंगा, मैं सपोज करो अगर मैं किसी लोकेलिटी में रहता हूँ तो वहाँ का जो मैनेजर होगा उसके पास जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाकर क्या कहूँगा, भाई हमारे यहाँ पर कितनी फैमिली है और उनकी इनकम क्या क्या है, मुझे अंदाज़ा या आइडिया दे सकते हो। दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या कि डाटा मैंने खुद जाकर इकट्ठा नहीं किया, किसी और बंदे ने अपने पर्पस के लिए वो डाटा इकट्ठा कर रखा था, मैं सिर्फ उसके पास अप्रोच किया और मैंने उससे वो डाटा इकट्ठा कर लिया। उसने डाटा अपने लिए किया था इकट्ठा, मैं वहाँ से डाटा को ला रहा हूँ, वहाँ से डाटा को ला कर एडजस्ट करके, जुगाड़ करके अपने काम से मॉडिफाई करूँगा। क्या मतलब, मैंने कहा था भाई प्राइमरी डाटा है, मुझे इनकम पता करनी है, तो मैं खुद गया, सबसे इनकम पूछी, कट टू कट मुझे वही ओरिजिनल डाटा मिला जो मुझे चाहिए था। क्लियर है ना? लेकिन ये है हमारा ओरिजिनल डाटा, ओके। तो अगर मैं खुद जाऊंगा तो ओरिजिनल डाटा इकट्ठा करके लाऊंगा, लेकिन जब मैं सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करने गया, अपनी भाषा में इसे हम सेकेंड हैंड डाटा भी कह सकते हैं। सेकेंड हैंड डाटा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस भाई ने, उस मैनेजर ने डाटा अपने लिए इकट्ठा कर रखा था अपने पर्पज़ के हिसाब से। अब मैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करूँगा, उसके अंदर जुगाड़ टेक्निक लगाऊँगा, मॉडिफाई करूंगा और उसमें से अपने काम की चीज निकालूंगा। तो क्या पता वो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ठीक है या गलत है। कई बार आंसर जो हैं, जो कंक्लूजन है, वो गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि टाइम ज़्यादा किस में लगेगा, तो आपको क्या लग रहा है किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा आपका प्राइमरी डाटा में। खुद जाना पड़ेगा, 50 फैमिली से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास टाइम जो है वो कम लगेगा, लेस टाइम। खर्चे की बात करूँ तो कॉस्ट ज़्यादा यहाँ लगेगी, क्योंकि सबके पास जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट ज़्यादा आपकी यहाँ लगेगी, टाइम ज़्यादा यहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास लेस टाइम, लेस कॉस्ट, ओके है। अगर ओरिजिनल की बात करें तो प्राइमरी डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा रहेगा, सेकेंडरी डाटा हमेशा जो है वो लेस ओरिजिनल रहेगा, वो सिर्फ जुगाड़ के ऊपर बेस होगा। क्लियर है? अब पढ़ते हैं हम इसे, प्राइमरी डाटा को, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेज और एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। जहाँ से हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा करें वो प्राइमरी सोर्स, जहाँ से हम सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करें वो सेकेंडरी सोर्स। यही बात हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले प्राइमरी सोर्स में मैंने आपसे क्या कहा कि मैं खुद गया डाटा के पास और फिर वहाँ से मैंने डाटा इकट्ठा किया। तो कलेक्ट द बेसिक डाटा योर सेल्फ थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स और फील्ड वर्कर। कई बार क्या होता है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होता है, सारे का सारा काम मैं खुद नहीं कर सकता, और अगर मैं सारा काम खुद नहीं कर सकता तो मुझे क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, फील्ड वर्कर चाहिए, जो मेरे बिहाफ पर डाटा को इकट्ठा
कर सके। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे सर्कल कर लेना, क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब जहां से वो डाटा जनरेट हुआ है उस ओरिजिन के पास जाकर, उस सोर्स के पास जाकर, खुद जाकर डाटा को उठाना, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके मेरी बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है, देखो प्राइमरी सोर्स की डेफिनेशन भी है, प्राइमरी सोर्स डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, हमेशा फर्स्ट हैंड डाटा आपको मिलेगा, एक्यूरेट करेक्ट डाटा आपको मिलेगा। सेकेंड हैंड डाटा कलेक्शन इंप्लाइज द ऑब्टेनिंग रेलिवेंट स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एजेंसी एनी इंस्टीट्यूशन विच आर ऑलरेडी इन द पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, यानी कि वो संस्था वो कंपनी जिसके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से ही थी, मैंने गया डाटा इकट्ठा किया और काम खत्म। सपोज मुझे अपने देश की पॉपुलेशन के बारे में पता करना है, अब मैं क्या खुद जाकर एक एक बंदे को इकट्ठा करके या स्टडी करूं या कैलकुलेट करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं 130 करोड़ की आबादी की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे NSSO के पास सैंपल सर्वे जो लेती हैं, सेंसस ऑफ इंडिया उनके पास जाना पड़ेगा, उनका इकट्ठा किया हुआ डाटा लाना पड़ेगा और वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाऊँगा। क्लियर मेरी बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेकेंडरी डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे, इट डज नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ये आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कतई नहीं देंगे, और यू हैव ऑलरेडी रिलाइड द इन्फॉर्मेशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, और आपके पास इस इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्लियर मेरी बात। अब प्राइमरी डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा फिर से वही डाटा जो हमने ओरिजिन से कलेक्ट किया है, सोर्स से कलेक्ट किया है, तो डाटा दैट इज ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज प्राइमरी डाटा। इसके बाद सेकेंडरी डाटा क्या है, अगर मैं सेकेंडरी डाटा पूछूं आपसे, तो सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, देखो ऑलरेडी लिखा है, पहले से ही वजूद में है, पहले से ही ये डाटा किसी न किसी एजेंसी के पास, which have been collected from some other purpose and answering the question in hand, और कहीं ना कहीं ये डाटा किसी और purpose के लिए collect किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाटा थोड़ा बहुत आपको भी support कर सकता है। okay, तो data collected by other person are called secondary data, collect किसी और ने किया है, use हम कर रहे हैं, तो ये है आपका secondary data। okay, अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहले ओरिजिनलिटी में डिफरेंस होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं ना कहीं जो ये आपका प्राइमरी डाटा है वो ज़्यादा ओरिजिनल होगा, और जो सेकेंडरी डाटा है वो तो बेचारा ओरिजिनल होगा ही नहीं, क्योंकि कलेक्ट ही किसी और ने किया है, हमने तो सिर्फ वहाँ पर उसके वो डाटा इम्पोर्ट किया है। डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डाटा मेरे ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच खाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद जाकर अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस डाटा को इकट्ठा करके लाया, लेकिन सेकेंडरी डाटा किसी और ने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा किया था, अब मैं उस डाटा के ऊपर सिर्फ एडजस्टमेंट करके, जुगाड़ करके उस डाटा को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो दिस डाटा देयरफॉर डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया था किसी और ने अदर पर्पज के लिए, तो कहीं ना कहीं डाटा के अंदर ढेर सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो प्राइमरी के अंदर ज्यादा कॉस्ट लगती है, प्राइमरी इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी डाटा। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ डाटा इज कलेक्टेड, कहीं ना कहीं आपके पास डाटा कलेक्ट करने के कई सारे तरीके दे रखे हैं, और ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये आपका प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का बता रहा है। देखो देर आर फॉलोइंग वेल नोन मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्टिंग, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कई सारे इंपॉर्टेंट तरीके आपके पास गिवन है। तो सबसे पहला आपके पास आ जाता है, देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है वो देखो, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज ए मेथड बाय विच डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। देखो नाम से पहले हिंट लगाते हैं, डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा बंदे के पास पहुंच गया, पर्सनल का मतलब है फेस टू फेस कॉन्टेक्ट कर रहा हूं किससे, देखो मैं हूं रिसर्च करने वाला, तो ये मुझे यहां पर कहेगा इन्वेस्टिगेटर, और जिससे मुझे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है वो है अपने लिए इन्फॉर्मेंट,
यानी जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा वो तो है इन्फॉर्मेंट, और जो बंदा इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करेगा वो है आपका इन्वेस्टिगेटर। इन अनदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पर्सन टू हुम इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेंड। तो जिस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी सीधा उस बंदे के पास पहुंच गया, उससे क्वेश्चन आंसर करे और डाटा को इकट्ठा कर लिया। दिस सक्सेस ऑफ दिस मेथड रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डेलिजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शल और टॉलरेंट। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सामने वाले की बात को समझने का जज्बा होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर सके, टॉलरेंट कर सके सामने वाले के बिहेव को, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्लियर? अगर सुटेबिलिटी की बात करें तो इस तरीके के मेथड को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, दैट इज सुटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आपकी इन्वेस्टिगेशन फील्ड लिमिटेड हो, बहुत बड़ी ना हो, देखो हर जगह पर मैं पहुँच नहीं सकता। सपोज मुझे अगर 10 या 12 बंदों का डाटा इकट्ठा करना है, और एक बंदा दिल्ली में है, एक बंदा से मुंबई में है, गुजरात में है, अलग अलग जगह पर फैले, तो इस तरह का मेथड मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हर एक बंदे के पास जाना, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करेगा। तो बेसिकली जहां पर फील्ड वास्ट होती है वहां पर इस तरीके का मेथड यूज नहीं कर पाते। उसके बाद ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, अगर आपको कहीं पर डाटा में बहुत ज्यादा ओरिजिनल डाटा चाहिए तब आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपको सीक्रेट रखनी हो, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा इन्वेस्टिगेटर और एक इन्फॉर्मेंट, दो ही बंदों के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तीसरा कोई बंदा यहाँ पर नहीं आता, तो सीक्रेसी जहाँ पर चाहिए होती है वहाँ पर मैं इस तरह के मैटर को यूज़ करता हूँ, इस तरीके को यूज़ करता हूँ। एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ग्रेट सिग्निफिकेंस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इस डाटा को खुद जाकर इकट्ठा करता हूँ। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं जब मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है इन्फॉर्मेंट से, तब मैं इस तरीके के मेथड को यूज करता हूँ। मेरिट्स की बात करें तो फायदा क्या है इस मेथड का? डाटा ओरिजिनल होगा, फर्स्ट हैंड होगा, बिल्कुल क्लियर कट, मैं खुद जाकर इकट्ठा करके लाया हूँ, तो एक्यूरेट भी होगा, कहीं ना कहीं ये डाटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। अब इन्वेस्टिगेटर खुद गया है तो डाटा कलेक्टेड में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, भरोसा तो मैं अपने आप पे करूँगा ना, तो जब मैं खुद ही जा रहा हूँ कलेक्टेड बाय द हिमसेल्फ, तो मुझे भरोसा भी करना पड़ेगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं 1-to-1 क्वेश्चनिंग में सामने वाले पार्टी से पूछ सकता हूँ। यूनिफॉर्मिटी, हर जगह पर एक जैसा डाटा इकट्ठा करूंगा, क्योंकि डाटा इकट्ठा करने वाला तो मैं ही हूं, तो सारे के सारे इन्फॉर्मेंट जितने भी होंगे 10, 15, 20, तो सबसे सेम एक जैसे क्वेश्चंस पूछूंगा और डाटा एक जैसा सिंपल इकट्ठा करूंगा, और मैं कहीं ना कहीं डाटा को इजिली कंपेयर भी कर सकता हूँ। इलास्टिक का मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपनी मर्जी से क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता हूँ, बदल के पूछ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। ओके, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर मैं ही हूँ। नुकसान की बात करें तो इस तरीके के मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले वाइड एरिया में इस तरह के मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पर मैं मौजूद नहीं हो सकता। उसके बाद पर्सनल बायस, अगर मैं कोई जानकार है तो उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखूंगा, अगर किसी से मेरा झगड़ा है तो कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में बुरा लिखूंगा, तो दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस, एज ए रिजल्ट डाटा में लूज क्रेडिबिलिटी, और इसी वजह से यहाँ पर डाटा के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। कॉस्टली है, खुद जाना पड़ता है, हर जगह पर पहुँचना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है, टाइम के केस में, मनी के केस में, हर चीज़ यहाँ पर ज़्यादा खर्च होती है। लिमिटेड कवरेज, हमने कहा कि ये बड़े वाले लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं छोटे एरिया को ही कवर कर सकता है। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो अभी वहां पर डायरेक्ट लिखा था तो सीधा बंदे के पास पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखा है तो कहीं ना कहीं मैं सीधा उस बंदे के पास नहीं पहुंचा, उसके किसी मित्र, किसी भाई बंधु के पास पहुंचा जिसके पास उसकी जानकारी थी। इसको ऐसे समझते हैं, लड़की वाले रिश्ता देखने आए हैं तो लड़के से ना पूछें कि भाई वो कैसा है, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, सगे संबंधियों से पूछें वो लड़का क्या
कैसा है। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इन्फॉर्मेंट इज नॉट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग टू होम इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। तो कह रहा है देखो इनडायरेक्ट इन ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन, जिस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उससे इकट्ठा नहीं कर रहे, उसके पड़ोसी से इकट्ठा करेंगे। इट इज करेक्ट कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो हम कहीं ना कहीं उस बंदे से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिसके पास मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। दीज अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस, इसे हम गवाह भी कह सकते हैं, विटनेस भी कह सकते हैं। ओके तो देखो फॉर एग्जाम्पल बाय दिस मैथड डाटा ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स रादर देन वर्कर्स देमसेल्फ। तो वर्कर्स की जीवन शैली कैसी चल रही है वर्कर से ना पूछकर मैं किससे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मालिकों से। देखो इस तरह के मेथड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये मेथड वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, जहाँ पर बड़ा एरिया को कवर करना हो, तो मैं सारी जगह पर पहुँच नहीं सकता, तो मैं फ़ोन पर या दूर बैठे दोस्तों से पूछ कर जानकारी ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेट की जानकारी ले सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट। कई बार सामने वाला बंदा बहुत बड़े लेवल पर होता है, उस तक पहुँचना मेरा पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उनके भाई जो छोटे मोटे अड़ोसी पड़ोसी हैं उससे सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। मे भी वो जानकारी गलत हो सकती है लेकिन फिर भी मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास द इन्फॉर्मेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और इलिटरेसी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे सपोज कंपनी का मालिक है, ओनर है कंपनी का, अब मैं उससे जाके पूछता हूँ भाई साहब आपने कितना टैक्स भरा था, आपकी कितनी सेल्स थी, आपका GST कितना बनता था, आपको इनपुट कितना मिला। अब मैं इतनी टेक्निकल टर्म्स उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब वो कहेगा भाई साहब ये जोड़े हाथ मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जाओ मेरे CA से बात करो। मेरी बात समझ में आ रही है, उस बंदे के पास वो जानकारी नहीं है इसलिए वो मुझे कहीं ना कहीं भेज देता है उस बंदे के पास जिसके पास ये जानकारी है। क्लियर मेरी बात? तो उसके पास खुद वो जानकारी नहीं थी इसलिए मुझे दूसरे से वो जानकारी कलेक्ट करनी पड़ी। इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स है तो ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा ना ये जानकारी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, ये आपके ओनर के देना बस की नहीं था, तो उसने मुझे शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, उसने मुझे शिफ्ट कर दिया CA पर। क्लियर? फायदे की बात करूं तो सबसे पहले वही वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता हूँ, लेस एक्सपेंसिव, टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी तो खर्चा भी कम। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाएगी, सीधा मुझे CA जब जवाब देगा तो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी। फ्री फ्रॉम बायस, जब एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिंपल है, आम आदमी को भी ये डाटा या ये तरीका समझ में। डीमेरिट्स की बात करें तो लेस एक्यूरेट, कहीं ना कहीं जब मैं दूसरे बंदों से डाटा इकट्ठा करता हूँ, पड़ोसी से डाटा इकट्ठा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती, और जब पूरी जानकारी नहीं होती तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बायस्ड, कहीं ना कहीं पड़ोसी से अगर मेरा प्यार है तो वो मेरे बारे में अच्छी बातें कहेगा, अगर पड़ोसी से मेरा झगड़ा है तो वो मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो विटनेस है अगर वो भेदभाव कर गया तो समझ लो रिजल्ट भी भेदभाव कर जाएंगे। डाउटफुल कंक्लूजन, चार बंदे कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, चार बंदे कह रहे हैं आप बहुत बुरे हो, चार कह रहे हैं भाई साहब इनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है, दो बंदे कह रहे हैं भाई साहब ये तो बस रोटी रोटी खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउटफुल कंक्लूजन क्रिएट हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। ओके, अब डिफरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इन दिस केस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल में ऐसा नहीं होता, मुझे दूसरों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, जब मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करता हूँ, ऑन द अदर हैंड जब फील्ड वास्ट होती है, बड़ी होती है, तब मैं इनडायरेक्ट ओरल को यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज, देयरफॉर नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ
इनडायरेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं आप खुद गए हो उस बंदे का इंटरव्यू लेने, तो आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर सपोज मैं हरियाणा में हूँ और कहीं ना कहीं मैं गांव में किसी बंदे का इंटरव्यू लेने गया हूँ, तो हल्की फुल्की हरियाणवी मुझे समझ आनी चाहिए, ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कॉस्टलियर पड़ता है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं सस्ता पड़ता है। क्लियर मेरी बात? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पास तीसरा तरीका आ जाता है डाटा कलेक्शन का, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट। कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो लोकल सोर्सेज से। लोकल सोर्सेज का मतलब क्या कि आपने वहां पर अपना बंदा छोड़ रखा है। इसे हम समझते हैं सबसे पहले न्यूज चैनल के हिसाब से कोई भी न्यूज चैनल ले लो, से आज तक जब आप देखते हो तो उसपे उसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली है। लेकिन सपोज वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, तो क्या आज तक का मालिक खुद भाग भाग के वहां पर जाता है? नहीं, उसने अपने लोकल कोरस्पोंडेंट, अपने न्यूज रिपोर्टर, अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं वहां पर। मेरी बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं ये आप ऐसे कह सकते हो कि वहां के लोकल कोरस्पोंडेंट को ही मैंने जॉब पर रख लिया, वो 24 घंटे वहीं उसी एरिया में रहता है, अगर कोई गड़बड़ होगी तो जाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और मुझे न्यूज़ भेजना शुरू कर देता है। तो देखो, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और कॉरेस्पोंडेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदों को हायर कर लिया। दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन देयर ओन वे, फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। इसमें एक समस्या आपको देखने को मिली होगी, से जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, से गुजरात में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं अब इसको ऐसे समझो, अब 10 अलग अलग चैनल के रिपोर्टर्स पहुंच गए। अब एक चैनल का रिपोर्टर कहेगा भैया 25 बंदे मर गए, दूसरे चैनल का रिपोर्टर कहेगा कि भैया 75 बंदे लापता हैं, तीसरा कहेगा जी 100 बंदों की मरने की पुष्टि हो चुकी है, चौथा कहेगा जी अभी तो हम बॉडीज निकाल रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं। तो लेकिन लॉजिक क्या है इसको समझो, कहीं ना कहीं यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो भरोसेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकल सोर्स अपने तरीके से काम करेगा, जितनी नॉलेज होगी उसके हिसाब से काम करेगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगी। अब मेरी बात समझ आ रही है? तो देखो, कहीं ना कहीं इस मेथड को मुझे कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या कि लगातार कहीं ना कहीं सपोज क्राइम हो रहे हैं, कोई आपको डाटा चेंज हो रहा है, तो आपको वहाँ पर बने रहना पड़ता है। तो इस तरह का मेथड आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जब मैं बहुत बड़े एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैं इस तरीके के मेथड को यूज़ करता हूँ। द इंफॉर्मेशन इज यूज बाय जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी। देखो, अब अपने आप आ गए ना, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं छाप नहीं है अखबारों में, तो ये। और यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, 25 बंदे मरे, 75 बंदे मरे, इन्हें फर्क नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और वो जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो, तब मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूँ। फायदे की बात करें तो सस्ता पड़ता है। सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम कम लगता है और मैं बड़े एरिया को कवर कर लेता हूँ, क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स। वाइड कवरेज, पूरे के पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता हूँ इस तरीके के मेथड से। कंटिन्यूटी, आपको बार बार कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती। सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पज, इस तरीके का जो काम है, इस तरीके का जो डाटा कलेक्शन है, वो कुछ ही तरीकों के लिए कारगर है, ये हर जगह पर कामयाब नहीं होता। क्लियर? डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, कहीं ना आपका जो बंदा है वो खुद जाकर, आपने डाटा इकट्ठा नहीं किया, आपने बंदे को भेज रखा था, बंदे का जैसा माइंड सेट होगा वो डाटा भी वैसा ही कलेक्ट करेगा। तो देखो, कहीं ना कहीं ओरिजिनल ऑफ डाटा इज सेक्रीफाइस ओइंग टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट। यहाँ पर जिससे भी मैं कोई जानकारी ले रहा हूँ उससे मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो डाटा ओरिजिनल नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर बंदा अपने तरीके से डाटा को इकट्ठा करेगा, हर कॉरेस्पोंडेंट अपने तरीके से डाटा को इकट्ठा करेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डाटा है वो अलग अलग होगा। पर्सनल बायस, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉरेस्पोंडेंट है, अगर कोई मेरा दोस्त या किसी जानकार के लिए मैं रिपोर्ट इकट्ठी करने गया हूँ तो अच्छा अच्छा लिखूंगा, और अगर कोई कंपनी बेकार है या मेरा झगड़ा उससे हो चुका है तो मैं उसके बारे में बुरा
लिखूंगा। तो अगर कोरस्पोंडेंट बायस हो गया किसी चीज को लेकर तो समस्या है, क्लियर है। उसके बाद लेस एक्यूरेट, ये डाटा लेस एक्यूरेट होता है, इसके ऊपर 100% भरोसा नहीं किया जाता। और डिले इन कलेक्शन, कई बार क्या होता है डाटा इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है क्योंकि कॉरेस्पोंडेंट के एफिशिएंसी के ऊपर ही ये निर्भर करता है, क्लियर। अब आपके पास फोर्थ मेथड आ जाता है, मेलिंग मेथड। देखो नाम से ही पता लग रहा है मेल करनी है। मेल क्या करेंगे हम, क्वेश्चनियर। किस चीज को हम मेल करने वाले हैं, क्वेश्चनियर। तो यानी कि हमने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बनाई ढेर सारा, उसे लिख दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन लिख दिए, सामने वाले को मेल कर दिया। तो लिखता है अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर आर मेल टू इन्फॉर्मेंट्स, अ लेटर इज अटैच विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। अब इसके साथ एक क्वेश्चन पेपर के साथ एक लेटर भी अटैच है, भाई हम ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्या पर्पस सोल्व होगा, हर चीज मुझे बतानी पड़ती है। साथ में ये भी कहना पड़ता है भाई आप जो भी डाटा फिल करोगे वो सीक्रेट रहेगा, वो किसी और से शेयर नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भाई इन्फॉर्मेंट नोट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन, उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर उसके सामने लिख दो, और काइंडली जब आप सारे आंसर दे दो तो इसे हमें रिटर्न कर दो, मेल कर दो, पोस्ट से भेज दो, लेकिन काइंडली हमें ये वापस भेज दो। इस तरह के मेथड को मैं कहाँ यूज करता हूँ, जब एरिया ऑफ फील्ड जो बहुत वाइड है, मुझे पूरे के पूरे वर्ल्ड को कवर करना है घर बैठे बैठे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज और है जब इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड होता है, क्योंकि मैं मेलिंग मेथड यूज कर रहा हूँ, मैं उसे मेल करने वाला हूँ, अब वो क्वेश्चन पेपर भरने वाला उसके पास पहुँचेगा, वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ेगा समझेगा तभी तो जवाब दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड होना जरूरी है। फायदे की बात करें तो ये इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है, मेल करने में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, डाटा जो भी आएगा वो इन्फॉर्मेंट ने खुद फिल किया है, और इन्फॉर्मेंट ने खुद फिल किया है तो कहीं ना कहीं डाटा ओरिजिनल होगा, और वाइड कवरेज में पूरे के पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता हूँ, क्लियर। तो टाइम कम लगेगा, वर्ल्ड को कवर ज़्यादा करूँगा, ये सब चीज़ें। डीमेरिट्स की बात करें तो ऐसे भारी भारी क्वेश्चन पेपर भरने का भाई किसी का मन नहीं करता। मेरे से तो 15 क्वेश्चन लिख के एक पेपर देगा, भैया भर दो सर्वे है, मैं सोचता हूँ यार क्यों दिमाग पका रहा है, कुछ भी लिख दो कुछ भी भर दो। तो इस तरीके से तो जनरली इन्फॉर्मेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनियर, फेल टू रिटर्न क्वेश्चनियर। तो कई बार वो भरता ही नहीं, और भर भी देता है तो वापस करने की जहमत नहीं उठाता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया तो मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। लिमिटेड यूज, गिने चुने क्वेश्चन ही पूछ सकता हूँ, ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं ले सकता। कोई न्यूमेरिकल या बहुत कॉम्प्लेक्स से अब आंसर है तो मैं उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं ले सकता। बायस की बात करें तो जब मेरा मन ही नहीं है भरने का तो मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, और जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो क्या पता एक्यूरेट हो एक्यूरेट ना हो। सपोज मैंने पूछा भैया आप कौन सा कोलगेट यूज करते हो, या सॉरी आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो। अब जैसे मैंने पूछा क्वेश्चन विच टूथपेस्ट यू यूज, करता मैं कोलगेट हूं, लेकिन मैंने बिना ऑप्शन पढ़े ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे थे, मैं बोला चलो यार क्या जवाब देना, बस एक ऑप्शन को टिक कर दिया। हकीकत में वो मैं कोलगेट यूज़ करता था, लेकिन ए ऑप्शन पर पेप्सोडेंट लिखा था, मैंने पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा ही नहीं तो आंसर हमेशा गलत आएंगे, क्लियर। इसी का दूसरा मेथड है इन्यूमरेटर मेथड, मेलिंग मेथड का एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पर हमने मेल भेज दी थी, देखो ये है अपना भाई इन्वेस्टिगेटर, और ये है भाई अपना इन्फॉर्मेंट। कहीं ना कहीं मैंने इसको क्या करा, मेल भेज दी। ये खुद क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेगा, खुद पढ़ेगा, उसके बाद उसे भरेगा और इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न करेगा। ये था आपका मेलिंग मेथड। अब इन्यूमरेटर मेथड में क्या होगा, मेल को मैं डायरेक्ट ना भेज के अपना एक बंदा भेज देता हूं, ठीक है, एक अपना फील्ड वर्कर कह लो आप, फील्ड वर्कर भेज देता हूं। फील्ड वर्कर को यहां पर हमने नाम दिया है इन्यूमिरेटर। अब ये बंदा मेल लेकर क्वेश्चनियर लेकर जाएगा किसके पास, इन्फॉर्मेंट के पास। इन्फॉर्मेंट को क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सुनाएगा, इन्फॉर्मेंट जो जवाब देगा उसे भरेगा, और फिर ये बंदा हमें वो क्वेश्चनियर वापस भेजेगा।
अंडर दिस मेथड क्वेश्चन इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस टू द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर देमसेल्फ पुटिंग क्वेश्चन आर कॉल्ड शेड्यूल। तो जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन पूछता जाता हूँ और आंसर लिखता जाता हूँ तो एक शेड्यूल पूरा होता जाता है। अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल आफ्टर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द, तो यहाँ पर जो एन्यूमरेटर भेज रखा था वही डाटा इकट्ठा करेगा, वही क्वेश्चन बताएगा, वही आंसर रिकॉर्ड करेगा, सब कुछ वही करेगा। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, इस तरीके के मेथड को कहाँ यूज करता हूँ, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन फील्ड याद है। द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड स्किल्स इन्वेस्टिगेटर, तो कहीं कहीं पर आपको क्या होता है, खुद एक ऐसा स्किल्ड बंदा चाहिए जो जाकर आपको चीजों को समझाए और डाटा को इकट्ठा करे। द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं वो जो बंदा आपने भेज रखा है उसे लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसे कल्चरल नॉर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए सामने वाले बंदे का। ओके, फायदे की बात करें तो फिर से वाइड कवरेज है, एक्यूरेट है, वाइड कवरेज बड़े एरिया को कवर करूंगा, खुद मैंने फॉर्म भरा है, मेरे इन्वेस्टिगेटर ने भरा है या इन्यूमरेटर ने भरा है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो एक्यूरेट होगी। पर्सनल कॉन्टैक्ट, खुद गए हो, खुद क्वेश्चन समझाया है, खुद उसका रिस्पॉन्स लिखा है, यहाँ पर इम्पार्शियलिटी नहीं होती क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अलग है, इन्फॉर्मेंट अलग है, इन्यूमरेटर का काम तो सिर्फ इकट्ठा करके डाटा को देना है। तो दिस इज बिकॉज इन्यूमरेटर देमसेल्फ डू नॉट नीड टू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्यूमरेटर को चाहिए ही नहीं, वो चाहिए इन्फॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर के बीच की बात है, तो वो बेचारा भाई तो सिर्फ लिखने गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो लेफ्ट आउट हो जाए। नुकसान की बात करें तो खर्चीला बहुत है। क्यों खर्चीला है? क्योंकि आपको सबसे पहले बंदा पकड़ना पड़ेगा फील्ड वर्कर, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं पर एक आप ये कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएगा। अब इन्यूमरेटर इतनी आसानी से मिलते नहीं, ट्रेंड बंदे इतनी आसानी से मिलते नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है, पहले ट्रेनिंग दो फिर डाटा इकट्ठा कराओ। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी थी, सिर्फ दो पार्टियों के बीच में रखनी थी, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में, यहाँ पर एक बीच में एक बंदा और आ गया और वो बंदा है इन्यूमरेटर, कहीं ना कहीं डाटा लीक हो सकता है। पार्शियल की बात करें तो अगर इन्यूमरेटर बाइस हो गया डाटा इकट्ठा करते हुए, भेदभाव करने लग गया, तो डाटा एक्यूरेट नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? ये थे पाँच मैथड जो आपके प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल, उसके बाद आपका लोकल कोरेस्पोंडेंट, फिर मेलिंग और फिर आपके आखिरी में इन्यूमरेटर। क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर पूछ रहा है, भाई एक क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए? तो गिने चुने उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, वो सिंपल हो, बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड हो, आम आदमी भी उस लैंग्वेज को समझ सके, प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर सिक्वेंस होनी चाहिए, नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे, भाई आप किस धर्म से हो, या कुछ ऐसा भी ना लिखे जिससे आपकी पर्सनल फीलिंग हर्ट हो, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कैलकुलेशन ना हो क्योंकि बंदा कैलकुलेशन करने से बचना चाहता है, तो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ डू द कैलकुलेशन जॉब। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चनियर है वो इन्फॉर्मेंट को भेजने से पहले अपने 10-5 बंदों को देकर चेक करा लो कि भाई वो क्वेश्चन ठीक है या नहीं, इंस्ट्रक्शन कैसे भरना है, कौन से पेन से भरना है, ब्लैक से, ब्लू से, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन आपको भाई चेक कर लेना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन सामने वाली पार्टी ने भरी है वो ठीक दी है या नहीं दी। अब मैंने उससे पूछा भैया आपकी इनकम कितनी है, बोला भैया बस घर का गुजारा चल रहा है, और पता लगे भाई मैंने पूछा विच कार डू यू हैव, कह रहा भैया फॉर्चूनर है, तो कह रहा है कि 40 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है लेकिन कहीं ना कहीं इनकम बताने के मामले में बड़ा ही सुस्त है, तो इसीलिए क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए। और आखिरी में उसके अंदर लिखा हो कि भैया हाथ जोड़ कर ये सैंपल सर्वे भर दो और मुझे इसे वापस कर दो। क्लियर? उसके बाद ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, कई बार आप सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हो, येस नो राइट रॉन्ग गुड बैड, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई सारे ऑप्शन दे सकते हो और उसके अंदर भी जानकारी ले सकते हो। देखो ये हो गया ना, विच मोड ऑफ कन्वीनियंस यू हैव फ्रॉम होम टू कॉलेज, तो कहीं ना कहीं होम से कॉलेज जाने के लिए आपके पास क्या कन्वीनियंस।
ये सब आपका सैंपल पेपर दे सैंपल क्वेश्चन ईयर दे रखा है, सिर्फ आप थोड़ा सा ओवरलुक ले सकते हो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पायलट सर्वे कहीं ना कहीं टेम्परेरी सर्वे होता है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी डाटा आप समझ चुके थे, सेकेंडरी डाटा के अंदर किसी और बंदे ने डाटा को इकट्ठा कर रखा और आप वहाँ से वो डाटा उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल है, पब्लिश्ड मतलब जो कहीं ना कहीं छप चुका है, अखबार में छापा, गवर्नमेंट ने छापा, किसी ब्राउचर में छापा, अपने न्यूज़ बुलेटिन में छापा, कहीं ना कहीं वो छप चुका है, दैट इज़ पब्लिश, और जो अभी तक छपा नहीं है दैट इज़ अनपब्लिश। और तो पब्लिश के अंदर कौन कौन पब्लिक्स कर सकता है, सबसे पहले गवर्नमेंट कर सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश वेरियस स्टेटिस्टिक्स ऑफ द रूटीन एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी पब्लिकेशंस आपको ढेर सारी मिल जाती है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, ये सारे के सारे जो हैं ये सरकार छापती है। इसके बाद सेमी गवर्नमेंट आ जाती है कि भाई पूर्ण त्या गवर्नमेंट कंपनियां नहीं हैं, पब्लिकेशंस नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन सरकारी तो ज़रूर हैं। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपल कमेटीज, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ और डेथ। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके लोकल दिल्ली में कितने लोगों का जन्म हुआ, तो ये सब डाटा एमसीज के या म्यूनिसिपल कमेटीज़ के पास होता है, और कहीं ना कहीं ये डाटा उनके पास होता है तो मैं उनसे जाकर भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, और कहीं ना कहीं ये लोग भी इस डाटा को छापते हैं तो वहाँ से भी डाटा इकट्ठा कर सकता हूँ। कुछ कमीशंस बनाए हैं, कुछ कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, प्लानिंग कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, तो ये लोग भी अपनी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम छापते रहते हैं कि, तो वहाँ से भी मैं डाटा को इकट्ठा कर सकता हूँ। ट्रेड एसोसिएशन का मतलब व्यापार संस्था है, जैसे कई बार दिवाली पर आपने पढ़ा होगा कि इस बार दिवाली में दिल्ली पर करोल बाग एरिया में 50 करोड़ का धंधा हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेड एसोसिएशन से आती है। तो शुगर मिल पब्लिशेज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया, कितनी शुगर मिल्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितना काम कर रही हैं, कौन सा काम कर रही हैं, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, सरकार भी कई बार रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलती है, वो भी अपना डाटा पब्लिश करते हैं, जैसे आप कहते हो भाई कॉफ़ी पीने से हार्ट रेट कितना बढ़ जाता है, नींद कितनी अच्छी आती है, ये सारी डाटा जो है ये आपके पास कहाँ से आए हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये डाटा को छापती है। कई बार आपने देखा कि कोरोना वैक्सीन कोरोना के ऊपर कितनी कारगर है, ये सब डाटा रिसर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसके ऊपर ये आपका डाटा पब्लिश करते हैं। जर्नल और न्यूज़पेपर्स में भी डाटा दुनिया भर का छपा होता है, द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, कहीं ना कहीं मैं यहाँ से भी डाटा इकट्ठा कर सकता हूँ। रिसर्च स्कॉलर, कुछ जैसे लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो वो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं और वो अपनी पब्लिकेशन छापते हैं न्यूज़पेपर में, और उसे हम कहते हैं रिसर्च स्कॉलर्स। और इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे कई बार वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये भी अपना डाटा पब्लिश करते हैं, देश को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आपके जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको लेकर, कंट्री की इनकम है उसको लेकर, तो वो सारा डाटा भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अनपब्लिश सोर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वो सोर्स होता है जहाँ पर डाटा इकट्ठा तो कर लिया इन संस्थाओं ने, लेकिन अभी तक उसके अंदर छापा नहीं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में नहीं छापा, दीज डाटा आर नॉट पब्लिश, दीज अनपब्लिश डाटा न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन वे, हाउएवर दिस इज यूज एज सेकेंडरी डाटा, तो कहीं ना कहीं अभी तक छपा नहीं है, लेकिन मैं इनके पास जाकर वो डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। प्रिकॉशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डाटा है वो ऐसी आंख बंद करके उठाकर ना लाऊं, कहीं ना कहीं सोच समझ के उस डाटा को यूज़ करो, तो क्या डाटा रिलायबल है, क्या डाटा आपकी इंक्वायरी से मैच करता है या नहीं करता, क्या डाटा पर्याप्त है या नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे चेक करना पड़ता है कि जिस संस्था ने वो डाटा कलेक्ट किया है वो कितनी स्ट्रोंग है, वो कितनी एबल है डाटा को अच्छे से कलेक्ट करने के लिए। चेक करना पड़ेगा सामने वाली संस्था का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव मैच करेगा तभी मैं उससे सेकेंडरी डाटा लेकर आऊंगा। उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था डाटा कलेक्शन का, क्योंकि जब वो कलेक्ट कर रहे होंगे तो वो प्राइमरी डाटा होगा, तो पांचों मेथड में से कौन सा मेथड इन लोगों ने यूज किया है ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा, किस टाइम किस कंडीशन में इन लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया है ये भी मुझे पता करना पड़ेगा, अगर नहीं पता करूंगा
करूंगा तो मेरे रिजल्ट्स रॉन्ग आ जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, इन्होंने कितने यूनिट्स ले रखी हैं, भाई लाख में, थाउजेंड में, किस तरीके से लेकर यूनिट्स को स्टडी किया है, ये सब चीज़ें, और इनका रिजल्ट कितना एक्यूरेट आया, ये भी मुझे पता करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं देखो, दो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं आपके सेकेंडरी डाटा के। सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना जिसे हम भारत की जैसे, तो कहीं ना कहीं इससे आपको क्या पता लग जाता है, सेंसस से आपकी साइज कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आगे टाइम कितनी रहेगी, एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, ये सारी जानकारी सेंसस ऑफ इंडिया देता है। दूसरा आपके पास आ जाता है NSSO, कहीं ना कहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जानकारी मिलती है कि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट सोर्स, इट इज़ अ यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन टू कलेक्ट बेसिक स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन राइज इन रूरल एज वेल एज, तो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है ये क्या क्या चीज़ें चेक करता है, आपके पास जमीन जायदाद कितनी है, आपकी हाउसिंग कंडीशन कैसी है, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप कितना खर्चा कर रहे हो, आपके पास कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आपकी इनकम क्या है, तो ये सब चीज़ें आपकी पता करता है NSSO। क्लियर मेरी बात? तो ये है आपका सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप, चैट, कहीं भी टेलीग्राम वगैरह पर जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको नए नए क्वेश्चंस भी भेजता रहूं और मुझे ग्रुप में ज्वाइन करते रहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, उसे बने रहिए, कमेंट करते रहिए, अगर लग रहा है अच्छा तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।